नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल डॉक्टर टेलमी में। आज हम बात करेंगे कि फिशर की बीमारी का इलाज अगर ऑपरेशन से किया है तो क्या वो परमानेंट इलाज हो जाता है या फिर से भविष्य में फिशर बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये सवाल डॉक्टर को पूछते ही हैं या फिर मरीज लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ तो क्या भविष्य में मुझे कभी फिशर नहीं होगा। ये इसको समझने के लिए कुछ आपको एनाटॉमी में पहले समझाऊंगा कि उसके बाद फिर आपका जवाब दूंगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि फिशर क्या है, कैसे होता है, इसकी एनाटॉमी क्या है और क्यों होता है। ये है हमारी एनल कैनल। यहाँ से यहाँ तक एनल कैनल जो है ये खुली दिख रही है आपको, लेकिन ये हमेशा के लिए बंद रहती है। इस बंद रहने के कारण आपको ये ऐसी कैनल कभी दिखेंगे नहीं। ये जो मसल्स है, ये बाजू के इंटरनल मसल, ये एक्सटर्नल मसल्स, ये ऐसे गोल गोल है, पूरे पूरी चारों तरफ से ऐसे मसल्स है और ये हमेशा उसको बंद रखते हैं। ये जो दिख रहा है बीच में लाल लाल, उसको हम अल्सर कहते हैं, उसी को हम फिशर कहते हैं। ये फिशर हुआ है आपकी लैट्रिन कड़क होने की वजह से, लैट्रिन बराबर नहीं होने की वजह से, या बहुत बार लैट्रिन जाने की वजह से, या जोर लगा के लैट्रिन करने की वजह से। ये सभी कारणों की वजह से ये यहाँ पर फिशर बन गया है, यानी कि अल्सर बन गया है। ये एनल कैनल है और ये एनल कैनल के अल्सर को ही हम फिशर कहते हैं। तो इस फिशर की बीमारी का हम इलाज यानी ऑपरेशन तब करते हैं जब ये फिशर इतना गहरा होता है कि ये जो मसल है ये मसल को टच हो जाता है। ये ऐसा डीप जा जाके ये मसल, यानी आप ये समझेंगे कि यहाँ पे अल्सर हुआ है और ये अल्सर ऐसे धीरे धीरे अंदर तक जाके ये मसल का टच हो गया। जब ये मसल को टच हो जाता है तो ये मसल अत्यधिक कड़क बन जाती है, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है। और फिर ये जो जगह है, जो लैटरिन के लिए जगह जो खुलती है, ये इतनी जगह नॉर्मली ना खुल के सिर्फ इतनी ही जगह खुलती है, यानी इसका होल छोटा हो जाता है। जो जगह इतनी खुलना चाहिए वो इतनी सी खुलने लगती है, क्योंकि ये मसल्स जो चारों बाजू से ये कड़क हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, कड़क बन जाते हैं, उस वजह से आपको दर्द होने लगता है। और दर्द का कारण ये मसल रहते हैं और जो ब्लीडिंग का कारण है ये अल्सर रहता है। इस अल्सर से ब्लीडिंग होती है और इस मसल से दर्द होता है। बाकी ये जो टैग है, टैग यानी मस्से जो आपको हाथ को लगते हैं, उसका कोई रोल नहीं है, उसको काटने से ये बीमारी जाने वाली है नहीं। तो इस वजह से आपको सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी में ये जो इंटरनल मसल है, ये जो इंटरनल मसल है, जो फाइब्रोसिस पार्ट है, जैसे कि ये पूरे मसल्स है उसमें से ये छोटा सा पार्ट फाइब्रोसिस हो गया है। जनरली ये अल्सर जो है, अल्सर के पीछे का जो एरिया है, जो 6 o'clock पोजिशन हम कहते हैं, वो फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको हम कट कर देते हैं। उसको कट करने से ये रिलैक्स हो जाता है, तुरंत रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने से आपकी लैट्रिन की जगह अभी फिर से पहले जैसी खुलने लगती है और आपको लैट्रिन अच्छे से होने लगती है, पहले जैसे पूरी खुलती है, लैट्रिन आपको अच्छे से होने लगती है और आपका ये अल्सर भी हील होने लगता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान इस अल्सर को भी अच्छे से क्लीन किया जाता है। उसके जो अटैचमेंट है, ये फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस से जो चिपका हुआ है उसको रिलीज किया जाता है, या वो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक है तो उसको भी पूरा निकाला जाता है। तो इस वजह से आपका ये अल्सर भी हील हो जाता है, आपका दर्द भी चला जाता है, आपका ब्लीडिंग भी बंद हो जाता है। ये तो हो गया आपका ऑपरेशन सक्सेस होने की बात। आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आपका दर्द चला गया, आपका ब्लीडिंग बंद हो गया, फिर आप कुछ दिन के बाद ये सोचने लगेंगे कि फिर से ये नौबत तो नहीं आएंगी कि फिर से मुझे फिशर हो गया। तो ये फिशर आपको फिर से हो सकता है, या ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया जिसकी वजह से आपको फिशर नहीं बने। जैसा कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन में हम अपेंडिक्स निकाल के फेंक देते हैं, यानी पूरा बाहर कर देते हैं, तो उसमें हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको अपेंडिक्स फिर से नहीं होगा। इस केस में ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपको फिर से फिशर नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपके लैटरिन के हैबिट से हुआ है, आपका खाना नहीं पचने की वजह से हुआ है, आपको लैटरिन हार्ड बनने की वजह से हुआ है, आपको बार बार लैट्रिन जाने की वजह से हुआ है, या फिर आपके लैट्रिन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर जोर लगाने की वजह से। तो ये सभी जो बातें हैं
उस वजह से आपका फिशर बना है, तो आपको फिर से फिशर बनने के चांसेस है। अगर आपने आपके डाइट में सुधार नहीं किया, आपके लैटरिन के हैबिट में सुधार नहीं किया, या आपको लैटरिन हार्ड होते ही रही उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया। लेडीज़ लोगों में अगर आगे जाके उनको प्रेगनेंसी होती है तो ये फिर से बन सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन अपने आप होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन हुआ तो फिर से आपको फिशर की बीमारी हो सकती है। तो आप ये समझ जाओ कि ये ऑपरेशन करने से कोई परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब आपको ऐसे कोई 100% गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। जो आप पूछते हैं वो सरासर गलत है, या आपका क्वेश्चन ही गलत रहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऑपरेशन के बाद कभी भी फिशर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे डिमांड करेंगे तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं, मैं ऐसी डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकता। या आप अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि मुझे गारंटी दो कि मुझे फिर से फिशर नहीं होगा, तो ये भी कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, आपको कुछ सलाह देगा जो आपको मानना है, कुछ दवाइयाँ देगा वो आपको चलाना है। और मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा इसलिए भी नहीं होता है कि जिनको ये बीमारी होती है वो आगे जाके काफ़ी अच्छा दुरुस्त हो जाते हैं, खाने पीने की हैबिट बदलते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लैट्रिन का ध्यान रखते हैं, लैट्रिन कड़क न होना चाहिए, इसलिए सब चीज़ें करते हैं। इस वजह से हार्डली 5-10% लोगों को ही शायद फिर से हो सकता हो, होता होगा। मेरे पेशेंट तो मेरे पास, मतलब आज तक अगर इतने 500 हज़ार ऑपरेशन किए होंगे तो मुश्किल से कोई 4-5 पेशेंट आए होंगे, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली पेशेंट काफ़ी अच्छा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ आप लोग जो कोई मरीज अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप भी ये समझ जाओ कि आप भी काफ़ी हद तक अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर पाओगे एक बार ऑपरेशन आप करवा। तो यही आज का वीडियो था कि ऑपरेशन करने के बाद फिर से फिशर होगा कि नहीं। बिल्कुल फिशर फिर से हो सकता है, उसके लिए ऑपरेशन जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, आपके लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने की आदतें, लैट्रिन की आदत ही जिम्मेदार है, और सबसे मेन कॉन्स्टिपेशन बनना ही जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।